तो मैंने ये चूज़ किया है डॉट फोम का। मैं यूजुअली अभी डॉट फोम का ही डाल देता हूँ फ्लूइड। तो देखो जैसे मैं यहाँ से ये प्रेशर दे रहा हूँ, वैसे यहाँ पे ये ऑयल बाहर आने लग गया है, तो बबल्स आ रहे हैं, मतलब इसमें एयर है। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ जिक्साफिक्स। तो जिक्साफिक्स के इस एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं ब्रेक ब्लीडिंग। उसको ब्रेक ब्लीडिंग बोलो, ब्रेक ऑयल ब्लीडिंग बोलो, या फिर ऑयल चेंज बोलो, सब एक ही है। तो पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ जैसे मैं हर एक वीडियो में दिखाता हूँ, और एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग अभी काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले खोलते हैं मास्टर सिलेंडर का कैप। तो ये अपना हथियार जिसको यूज करके हम मास्टर सिलेंडर के जो दो स्क्रूज है जो रस्ट अभी उन पे लगा है उस पर हम ये स्प्रे करेंगे और उन दो स्क्रू को हम इजीली निकाल पाएंगे। उसके बाद हम वो पुराना ऑयल थोड़ा थोड़ा ड्रेन करके ये नया वाला ऑयल मास्टर सिलेंडर में और पूरे ब्रेक पाइप में डाल देंगे। तो ये है वैक्सपोल का ब्रेक क्लच फ्लूइड डॉट फोर, 250 ml का ये पैक है, और इसको मैंने मंगाया था अमेजोन से ऑलमोस्ट 120 के आसपास। यहाँ पे 140 लिखा है MRP, पर 120 के आसपास मुझे ये मिला है अमेजोन से। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। वहाँ पे प्राइस थोड़े डिफर करेंगे पर मिल जाएगा आपको। हमारे बाइक के ब्रेक लाइन में जो फ्लूड होता है वो मोस्टली .3 या .4 का होता है, और 152-250 cc के जो ब्रेक सिलेंडर्स होते हैं उसके कैप पे भी आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे लिखा होता है कि .3 या .4 का ही ब्रेक फ्लूड यूज़ करें। तो मैंने ये चूज़ किया है .4 का। मैं यूजुअली अभी .4 का ही डाल देता हूँ फ्लूड। पहले .3 का डलवाता था, पर अभी जब से मैंने खुद से सर्विसिंग करना चालू किया है वैसे मैंने .4 का ही डालना स्टार्ट किया है अभी। तो इस बार भी हम लोग .4 का ही डालेंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये .3 और .4 में डिफरेंस क्या है। तो .3 और .4 में डिफरेंस इतना ही है कि .3 ब्रेक फ्लूड जो है वो वाटर को लेस एब्जॉर्ब करता है देन .4। सिंपल भाषा में बताऊँ तो ये .4 का जो ब्रेक फ्लूड है वो हमें लेस फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा कंपेरेटिवली टू .3 लिक्विड, जिससे कि ये सेफर बन जाता है हायर टेम्परेचर्स पे। और अगर गलती से अगर आपने .3 और .4 दोनों मिक्स भी कर दिए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, .4 ब्रेक फ्लूड वैसे भी काम कर रही अपना। बस इतना ध्यान में रखना कि जहाँ पे .4 का लिखा है वहाँ पे .4 का ही ऑयल डालो, और जहाँ पे .3 लिखा है वहाँ पे आप .4 का भी डाल सकते हो, बट रिवर्स नहीं करना है। और जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि ये 150 और 250 सीसी का जो बाइक है उनमें अभी मोस्टली .4 का जो ब्रेक फ्लूड यूज़ होता है वो मैंने अपनी जिक्सर को एज एग्जांपल देके मैंने बताया। और बहुत सारी गाड़ियों में .4 का भी ब्रेक फ्लूड यूज़ होता है क्योंकि ABS के साथ .4 का ही ब्रेक फ्लूड मोस्टली यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया था, बस और कुछ नहीं। अभी मैं दिखाता हूँ अपना जुगाड़ जिसकी मदद से हम ब्रेक फ्लूड को ईजिली चेंज करेंगे। ये है बॉटल और इस पर मैंने लगा दिया है ये पाइप। आप ये फिश एक्वेरियम वाले जो होते हैं उनसे ये परचेस कर सकते हो ये पाइप, और ये बॉटल तो अपना समझ गए किसका है। तो उस पर एक होल मार दो और ये पाइप इंसर्ट कर दो, इतना इतना चल जाएगा। और ये वाला जो एंड है वो हमारे ब्रेक के कैलिपर पे जाएगा, जहाँ से ब्रेक फ्लूड को हम थोड़ा थोड़ा जो रिलीज़ करते हैं ना, ब्रेक ब्लीडिंग जिसको हम बोलते हैं, वो जो कैप होता है वहाँ पे ये अटैच हो जाएगा, जिससे कि हम जब प्रेशर लगाएंगे तो ये ऑयल इस पाइप के थ्रू इस बॉटल में आ जाएगा और नीचे कुछ स्पिल नहीं होगा। तो वो एक इसका फ़ायदा है, वो भी दिखाऊंगा मैं कैसे लगाना है और कैसे उसका पूरा प्रोसेस जो होगा वो सब दिखाऊंगा। यहाँ पे ये जो कैप है इसको हम रिमूव कर लेंगे। तो ये मैंने निकाल लिया है, और ये जो नट है इसको लूज़ करते ही यहाँ से ब्रेक फ्लूइड धीरे धीरे निकलता है। तो ये जो बॉटल हमने बनाया है इसका ये वाला जो एंड है वो इस पर लग जाएगा, ताकि ये जो पूरा फ्लूइड है इस बॉटल में कलेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैं लगा लेता हूँ। पहले इस नट को लूज़ करने के लिए हमें लगेगा 8 नंबर का स्पैनर जो कि है हमारे पास। अभी इशू ऐसा हुआ कि मैं ड्रेन बोल्ट खोलने गया और वो ड्रेन बोल्ट स्लिप हो गए, पूरा ही कट गया और वाट लग गई। अभी ये सब जुगाड़ करने मुझे अभी वो निकालने के लिए जाना पड़ेगा वेल्डर के पास। वेल्डर वो उसको वेल्ड करके ऊपर से निकालेगा, उसके बाद हम नया बोल्ट डालेंगे। अभी मैं आया था वो ड्रेन बोल्ट निकलवाने के लिए, उसके चक्कर में और एक प्रॉब्लम मुझे दिखा कि ब्रेक पैड मेरे पूरे घिस चुके थे। ये है कुछ ब्रेक पैड की हालत। अभी इसमें भी नए ब्रेक पैड डालेंगे हम लोग। ये ब्रेक पैड मैंने सुजुकी के ओरिजिनल मंगाए हैं, और 383 का ये पैकेट है फ्रंट ब्रेक पैड्स का। तो वो वाले निकाल के दिखाता हूँ कि कितने बचे हैं एक्चुअली। एकदम माइनर बचे हुए, अभी वो भी चेंज कर दूंगा मैं। ये कुछ ब्रेक पैड की हालत, इतने पतले हो चुके हैं मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ ध्यान गया मेरा उस चीज़ पर। और दिस इज़ द अदर वन, बचा ही नहीं है कुछ, अभी चेंज कर लेंगे इनको भी। तो ये कुछ नया वाला मैंने ब्लीडिंग बोल्ट लगाया यहाँ पे,
और ये काम कर गया। इसको थोड़ा बहुत अच्छे से टाइट करके मैंने फिक्स कर दिया। अभी उस चक्कर में ऑयल दो बार चेंज हो चुका है, पर फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऑयल ब्लीडिंग करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने ये ब्लीडिंग बोल्ट लूज़ किया वैसे ये ऑयल बाहर आने लग गया और इस बॉटल में कलेक्ट हो रहा है वो अभी। तो ये थोड़ा निकलने देते हैं, फिर ये पिस्टन्स जो है इनको दबा के ब्रेक पैड लगा लेंगे। अभी ऑयल का जो ये कंटेनर है वो पूरा खाली है, इसमें ऑयल डालूंगा, यहाँ से प्रेशर दूंगा। यहाँ से जब तक ऑयल बाहर नहीं निकलता तब तक हमें ये लाइन से ऑयल पास करते रहना है ताकि एयर पूरा यहाँ से रिमूव हो जाए इस लाइन से। जैसे ही प्रेशर बिल्ड होगा ऊपर से वैसे ही हम ये टाइट कर देंगे और काम ख़त्म। अभी मैं ये ऑयल डाल रहा हूँ इसमें। जैसे जैसे इस कंटेनर में से ऑयल कम होता जाएगा वैसे वैसे अपने को टॉप अप करना है। तो जैसे हम प्रेशर देंगे यहाँ से ऑयल पाइप थ्रू उस कैलिपर में जाएगा, तो ये कम होते जाएगा वैसे वैसे हमें ये ऐड करते जाना है। तो देखो, जैसे मैं यहाँ से ये प्रेशर दे रहा हूँ वैसे यहाँ पे ये ऑयल बाहर आने लग गया है। ये बबल्स आ रहे हैं, मतलब इसमें एयर है। तो अभी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक मैंने वो प्रेशर क्रिएट करने का ट्राई किया, पूरे बबल्स निकाले लीवर दबा दबा के, उसके बाद जाके ये प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो इसमें मेहनत बहुत लगी मुझे और ये थोड़ा बहुत ट्रिकी भी है, कभी कभी जल्दी हो जाता है कभी कभी लेट हो जाता है, तो वो संभाल के करना ज़रूरी है। ऑयल का जो लेवल है ना वो मेंटेन रखना ज़रूरी है इसमें, अगर ऑयल का लेवल मेंटेन नहीं हुआ ना तो एयर और पकड़ लेती है और फिर बाद में और प्रॉब्लम्स यू कैनॉट इमेजिन, बट फाइनली हो चुका है। अभी ब्रेक्स अच्छे से लग रहे हैं, थोड़े दिन में टेस्ट करूंगा इन्हें और कैसे रिस्पॉन्स है वो सब देखूंगा। और यूजुअली राइड पे जाएंगे तो तभी वो पता चल ही जाएगा कि ब्रेक्स परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं, पर फिर भी सिटी में थोड़ा बहुत चला के देखूंगा मैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ये मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना वीडियो को, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाजू का जो बेल आइकन है वो भी दबा देना ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियोज़ डालूँ इन्फॉर्मेटिव तभी आपको नोटिफिकेशन उसका पहला आ जाए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।